आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हो डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस जॉब जो है बच्चों ने रेडी कर दी है। प्रत्येक की क्वालिटी दिखाते हैं कि बच्चों ने डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस जॉब जो है वो कैसे बनाई हुई है। तो आइए चेक करें पूरा एक्सरसाइज। सबसे पहले गाइड कट लगाना जरूरी होता है। इस तरीके से आपको हेक्टाइन करनी होती है। जब आप हेक्टाइन करते हो तो ब्लेड का पूरा प्रयोग करना होता है, क्योंकि ऐसा जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक के सिद्धांत का कार्य करता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है फाइलिंग की जा रही है, और ये आपकी डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस है। इसके बाद में देख सकते हो दूसरा जो पीस जो है इसकी भी हमने जो है रफ कटिंग और रफ फाइलिंग जो है कर चुके हैं। देखिए ऐसे फाइलिंग जो है की जाती है। तो देख सकते हो आप इस तरीके से जो है फाइलिंग कर सकते हो। दूसरा जो पीस जो है वो भी रेडी कर दिया गया है। देखिए इस तरीके से फाइलिंग की जाती है, और ये फाइलिंग करने का मेथड यानी विधि है। फाइलिंग करते समय आपको बार बार चेक करना होता है, और पंचिंग को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि फाइलिंग जो है वो किस स्थान पे आपको करनी होती है। तो जॉब को फिर लगाते हैं और ये चेक कर लिया गया है कि फाइलिंग कहाँ पर करनी है। तो इस तरीके से फाइलिंग की जाती है। ट्रायंगुलर फाइल वी कट के अंदर यूज करते हुए, जब आप ट्रायंगुलर फाइल हो या फिर आपकी फ्लैट फाइल हो, कोई भी फाइल हो, फाइल को हमेशा आपको पैरेलल चलाना होता है, जिससे आपका बेस जो है नीचे का अच्छा बनता है। तो आइए अब करते हैं फिनिशिंग। इस तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथ से फिनिशिंग करनी होती है। ये फिनिशिंग करने का तरीका है, दूसरे तरीके से बिल्कुल पैरेलल फाइल को चलाते हुए स्टेप फाइलिंग आपको बिल्कुल फाइल जो है चिपी हुई करनी होती है, जिससे आपकी सुपर जो है फिनिशिंग होती है। फाइनली फिटिंग होने के बाद में आपको दिखाते हैं भी ये जो फिटिंग जो है वो कैसे की गई है। प्रत्येक की क्वालिटी दिखाते हैं कि बच्चों ने डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस जॉब जो है वो कैसे बनाई हुई है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये जॉब जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी क्वालिटी देखिए आप। इसकी जो सुपर फिनिशिंग जो है बच्चों ने की है, इस साइड से देखिए। साइज भी आपको चेक करके बताएंगे कि भी बच्चों ने जॉब का जो साइज जो है वो कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, जॉब का साइज भी देखेंगे और जॉब को कैसे बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस। डव मींस क्या होता है? बतख होती है, ठीक है। टेल मींस क्या होती है? पूंछ होती है। बतख की जो पूंछ जो होती है आप देख सकते हो पीछे वाली, इसलिए इस जॉब का नाम रख दिया गया है डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर देख सकते हो आप कैसे इसका ऊपर का जो, यहाँ से देखिए कैसे किस तरीके से बच्चों ने राइटिंग किया है, और यहाँ पे जो टेपर सा जो कट जो यहाँ पे कटा हुआ है वी कट जो, ठीक है। इसमें ट्रायंगुलर फाइल जो है बच्चों ने यूज़ की हुई है, इधर भी ट्रायंगुलर फाइल यूज़ की हुई है। और काम करने का बच्चों का जो तरीका है वो कुछ अलग ही है। जितनी भी बच्चे जॉब बनाते हैं वो एक से बढ़ के एक बनाते हैं। ये आपका फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट देख सकते हो आप बिल्कुल। ये देखिए, क्योंकि जब फिटिंग अच्छी अगर आपको बनानी है, अगर जॉब के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी अगर आपको चाहिए, तो साइज जो है वो काफ़ी मैटर करता है इसके ऊपर, कि जो साइज जो है आपको बार बार वर्नियर कैलिपर से चेक करना होता है कि भी आपके जो जॉब के अंदर क्या टॉलरेंस दी गई है, उस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको फिट करना होता है। तो देखिए ऐसे इसको, और ये जो है इसको इस तरीके से हम फिट कर देते हैं। तो देखिए इसकी जो फिटिंग जो है आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी लेजर मशीन से कटिंग किया गया है। इसको प्रोसेसिंग आपने देख ली होगी स्टेप बाई स्टेप की जॉब को कैसे बनाया गया है। अब हम डालते हैं इसको दूसरी साइड से।
दूसरी साइड से जब मैंने इसको चेक किया तो हो सकता है हल्की फुल्की बारिश में आ गई हो। देखिए इतना ही फिट होता है, दूसरी साइड से अगर हम फिट करते हैं तो थोड़ा सा टाइट जाएगा ये, ठीक है ना। तो अच्छी जॉब बनी हुई है, तो इसको मैं ज़बरदस्ती नहीं डाल पाऊँगा इस साइड से। ये चेक करते हैं हम साइज, तो साइज़ देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये साइज़ जो हमने दिया था बच्चों को वो दिया था 74 का, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो साइज़ जो आ रहा है वो आधा mm जो है बच्चे ने इसका साइज़ जो है कम कर दिया है। इस साइड से जो साइज़ जो दिया था वो हमने दिया था 40 mm, देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बच्चे ने 40 mm की टॉलरेंस में जॉब को बनाया, तभी इसके अंदर फिटिंग है वो अच्छी है। अंदर भी ये साइज 20 mm दिया हुआ था, देख सकते हो आप बिल्कुल 20। उसके बाद में इसका मेल पार्ट को हम चेक करेंगे, इसका जो साइज़ जो दिया था वो कितना दिया था, वो भी 40, बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चे ने 40 बनाया है। अगर आपका साइज़ जॉब का सही है तो आपकी जॉब बिल्कुल अच्छी बनेगी। ये साइज़ थोड़ा सा आउटर साइज़ है, ये आधा mm कम कर दिया है, ये 74 दिया था, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ये पॉइंट, यहाँ से ये 20 दिया था, 20 mm, ठीक है, ये भी ठीक है, थोड़ा सा फालतू है, हो सकता है कोई बर-बर आ गई हो। इस तरीके से जो है जॉब को चेक करना होता है। तो ये जो जॉब का जो साइज़ जो है वो इस तरीके से चेक किया जाता है। इसी तरीके से बच्चे जो है इंटरनल साइज़ को भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से लगाकर, ये देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो फिर ये विद्यार्थियों कंप्लीट प्रोसेसिंग और सो साइज़ जो है हमने जॉब का चेक कर लिया कि जॉब को कैसे बनाया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले भी जॉब जो है डवटेल फिटिंग प्रैक्टिस जॉब जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।